प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के प्रदर्शन को लेकर निशाना साधा और कहा कि आरिफ मसूद में अगर दम है तो वे फ्रांस और चीन में जाकर प्रदर्शन करें। यहां का मुसलमान परेशान नहीं है, यहां प्रदर्शन करने से कुछ नहीं मिलेगा। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, आरिफ मसूद जब हिंदू बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है तब प्रदर्शन नहीं करते, और जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं इसी का नाम कट्टरवाद है। अगर उनमें दम है और उनको मुसलमानों की इतनी चिंता है तो वे फ्रांस और चीन में जाकर प्रदर्शन करें। मुसलमान तो वैसे ही मध्य प्रदेश और भारत में खुश हैं, वे 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। मसूद अपने पाकिस्तानी दोस्त के साथ फ्रांस में प्रदर्शन करें, यहां करने से कुछ नहीं मिलेगा। उधर रामेश्वर शर्मा के इस्लामिक कट्टरवाद बोलने पर कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उनको धमकी दी है। कट्टरपंथियों ने सोशल मीडिया में लिखा है कि जो हाल विश्व हिंदू परिषद के कमलेश तिवारी का किया था वही हाल रामेश्वर शर्मा का करेंगे। कट्टरपंथियों ने रामेश्वर शर्मा को मारने की धमकी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के राष्ट्रपति को भी अपशब्द लिखी है, जिसके बाद मध्य प्रदेश के संचालक ने प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की सुरक्षा बढ़ाने के लिए डीजीपी को पत्र लिखकर सुरक्षा बढ़ाने और संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। कट्टरपंथियों में पाकिस्तान से भी कई धमकियां सोशल मीडिया पे दी गई हैं। अरे फ्रांस में जाके करना चाहिए, मध्य प्रदेश में करने से क्या होगा? फ्रांस में मुसलमान परेशान है, मध्य प्रदेश में थोड़ी है। और ये जो इस तरह की शक्तियों का प्रदर्शन यहाँ कर रहे हो, इसी का नाम तो कट्टरवाद है। तुम हिंदू बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है उस पर क्यों नहीं? संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।